दोस्तों पिछले कुछ सालों में पेट्रोल के दाम जितनी तेजी से बढ़े हैं, लोगों ने अपने ध्यान सीएनजी की तरफ करना शुरू कर दिया है। हालांकि सीएनजी के दामों में भी कोई खास गिरावट नहीं आई है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि पेट्रोल और डीजल रेट के मामले में एक दूसरे का कंपटीशन देते हैं। एक तरफ देश की जनता पेट्रोल डीजल के दामों पर डिस्कशन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इथेनॉल ब्लेंडिंग की आजकल खूब चर्चा हो रही है। देश में कई जगह इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मिलना शुरू हो गया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये इथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या? इससे वाहन कैसे चल पाएंगे? क्या ये किफायती होगा? और अगर हाँ तो सरकार इसे कब से इम्प्लीमेंट करेगी? बस इन्हीं सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। मौजूदा दौर में पेट्रोल डीजल और सीएनजी के बढ़ते दामों को देखते हुए सरकार नए नए विकल्पों पर काम कर रही है। गवर्नमेंट का एक ही उद्देश्य है कि जनता को महंगाई की मार से किसी तरह बचाना है, और अब इसी कड़ी में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की शुरुआत की गई है। दरअसल इथेनॉल मतलब इथाइल एल्कोहल होता है, जो बायोमास यानी जैविक पदार्थों से बना ईंधन होता है। इसका इस्तेमाल शराब में होता है। इथेनॉल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका ऑक्टोन नंबर गैसोलीन यानी नॉर्मल पेट्रोल से ज्यादा होता है। यही कारण है कि इसे पेट्रोल से भी ज्यादा कारगर माना गया है। वैसे तो इथेनॉल को गाड़ियों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए वाहनों के इंजन में काफी बदलाव करना होगा। ऐसे में पिछले काफी वक्त से इस पर शोध चल रहा था, जिसका नतीजा अब जाकर निकला है। नतीजा कहता है कि अगर इथेनॉल में पेट्रोल मिलाकर इसका गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाए तो एक काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। देश में इसका उपयोग कई जगह पर शुरू भी हो गया है। अब सवाल यह है कि इसका वाहनों पर क्या असर होगा? बताया जा रहा है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने पर गाड़ी पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिली होती है, इससे ईंधन को पूरी तरह जलने में मदद मिलती है और इससे उत्सर्जन कम होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पर्यावरण के लिए बहुत बेहतर ईंधन बन जाता है। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि इसकी प्रॉपर्टी में कुछ बदलाव आ सकते हैं। अब जब इस मिश्रण का इस्तेमाल करना शुरू किया जा रहा है, तो आपके लिए जानना भी जरूरी है कि कितने पेट्रोल में कितना इथेनॉल मिलाना चाहिए। फिलहाल की बात करें तो देश में कई जगह पेट्रोल में 5-10% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत वैसे तो 1-2% से हुई थी, लेकिन अब इसे 10% तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि इथेनॉल की कीमत लगभग 61 रुपये प्रति लीटर तक है। ऐसे में अगर इसे पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है तो ईंधन की कीमत काफ़ी कम हो सकती है, गाड़ी अच्छा एवरेज दे सकती है और इससे आपकी जेब भी कम ढीली होगी। हालांकि कहने में जितना आसान लग रहा है उतना ज़मीनी स्तर पर हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। दरअसल इथेनॉल युक्त पेट्रोल की कीमत पेट्रोल के साथ साथ कई और फैक्टर्स पर भी निर्भर करेगी। जैसे एक तो इसे अलग से रखने की व्यवस्था होगी, इसकी डिलीवरी मशीन अलग से लगानी होगी। जाहिर है ये सब करने के लिए हर पेट्रोल पंप मालिक पर एक्स्ट्रा भार आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेट्रोल पंप मालिक इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सही तरीके से इसका इस्तेमाल शुरू किया जाए तो कस्टमर्स के लिए बहुत सहूलियत होगी। फिलहाल तो इसकी कीमत पेट्रोल जितनी रखी गई है, लेकिन आने वाले वक्त में घटाई जा सकती है। वैसे यहाँ पर परेशान करने वाली एक और बात है जो कस्टमर्स के लिए सिरदर्द बनी हुई है। दरअसल जहाँ जहाँ पर यह एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया, वहाँ पर कई इलाकों में इथेनॉल की जगह पानी मिलाने की शिकायतें आई हैं। इसका ध्यान सभी पेट्रोल पंप मालिकों को रखना होगा कि कस्टमर्स के साथ चीटिंग न की जाए। दूसरी तरफ भले ही एथेनॉल युक्त पेट्रोल में बहुत ही कम मात्रा में पानी होता है, लेकिन ये पूरी तरह से सेफ है, इसके बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। फिलहाल ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पूरी तरह से पेट्रोल का विकल्प है, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे बदलाव करने होंगे। इसके साथ ही कई तरह की चुनौतियों का सामना करना होगा। ये तो आपने जाना इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में। अब बात करते हैं अनब्लेंडेड फ्यूल की। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, इसका मतलब होता है कि पेट्रोल जिसमें इथेनॉल ब्लेंडेड यानी मिक्स ना किया हो। भारत सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 25% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय कर लिया है। सरकार इसके जरिए अपने तेल आयात बिल को कम करना चाहती है। मार्च 2022 तक सरकार का लक्ष्य ये था कि वो पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाए यानी ब्लेंड करें। वो लक्ष्य पूरा होता नजर भी आ रहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल वाली गाड़ियां या फिर कोई भी व्हीकल सड़क पर चलेगा तो उससे प्रदूषण होगा क्या? उससे पर्यावरण को नुकसान होगा? फिलहाल जितनी रिसर्च की गई है उसके हिसाब से देश में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने और दामों को कंट्रोल करने के मकसद से यही कदम उठाया गया है। सरकार ने साल 2003 में 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि अप्रैल 2023 से यानी अगले साल से पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू कर दी जाएगी। इससे किसानों को काफी फायदा होगा। सरकार इस तरफ बहुत तेजी से काम कर रही है। सरकार का ये भी मानना है कि उनके इस कदम से पेट्रोल का खर्चा कम हो जाएगा और इथेनॉल के जरिए किसानों की आमदनी भी बढ़ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे किसानों को कैसे फायदा होगा?
दरअसल इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल लगभग 99% शुद्ध होता है और ये कृषि उत्पादों से ही प्रोड्यूस किया जाता है। जाहिर है इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। देशवासियों की निर्भरता पेट्रोल पर से खत्म हो सके, इसके लिए सरकार ने यह कदम उठाया है जिसकी काफी तारीफ की जा रही है। आप जरा इथेनॉल इस्तेमाल करने के फायदे भी जान लीजिए। इथेनॉल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब यह आपकी गाड़ी में इस्तेमाल होगा तो आपका तेल पहले के मुकाबले काफी सस्ता हो जाएगा। सोचिए, ये तो हम तब की बात कर रहे हैं जब 10-20% इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर 100% वाले इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाने लगा तो ईंधन बेहद सस्ता हो जाएगा। सरकार इस पर इतना जोर दे रही है क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जो अपनी 85% से ज्यादा की मांग को पूरा करने के लिए विदेशों पर निर्भर है। जाहिर है अगर इथेनॉल ब्रांडेड पेट्रोल से चलने वाले इंजन तैयार हो जाते हैं तो सरकार को इससे काफी फायदा होगा। अगर भारत लगातार इसी दिशा में काम करता रहा तो जल्दी वो ब्राजील को टक्कर देता हुआ नजर आएगा। ब्राजील में फिलहाल 40% गाड़ियां 100% इथेनॉल पर चल रही हैं। भारत अभी इस तरफ काम कर रहा है। इन सब के बीच आजकल आप एक और टर्म सुन रहे होंगे, फ्लैक्स फ्यूल। क्या ये फ्लैक्स फ्यूल, ये भी जान लीजिए। दरअसल फ्लैक्स फ्यूल गैसोलीन और मीथेनॉल और इथेनॉल के मिश्रण से तैयार होने वाला एक वैकल्पिक ईंधन है। कुछ वक्त पहले नितिन गडकरी ने कहा था कि आने वाले वक्त में फ्लैक्स फ्यूल इंजन जरूरी कर दिए जाएंगे। मौजूदा वक्त में TVS मोटर और बजाज ऑटो जैसी कंपनीज ने 2-व्हीलर्स के लिए फ्लैक्स फ्यूल इंजन बनाने शुरू कर दिए हैं। वैसे तो बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1944 से ही इथेनॉल पर काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि उस दौर में इथेनॉल बहुत ही कम मात्रा में मिला करता था, इसीलिए इसके साथ ही एक्सपेरिमेंट करना मुमकिन नहीं था। अब इसकी मात्रा बढ़ी है तो पावर अल्कोहल के नाम से जाने जाने वाले इस ईंधन को सरकार सही से इस्तेमाल करने पर जोर दे रही है। इथेनॉल कितने काम की चीज है, इसका पता तो 8 दशक पहले ही लग गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है, ये सब नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में ही मुमकिन हो पाया है। वैसे जब ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो उम्मीद है कि आपको इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल 62 रुपए प्रति लीटर मिल सकेगा। निश्चित तौर पर एक बड़ी रात होगी। आपका सरकार के इस एक्सपेरिमेंट पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।